5 दिसंबर की शाम रहा ममता शर्मा के नाम, मंत्री के भाई ने किया शुभारंभ। बधाई का दौर उस समय चलने लगा जब ममता शर्मा के शो को सभी ने सराहा। वहीं ममता ने लूटा बलिया वासियों का प्यार और लोगों की तालियों को लेकर ममता शर्मा मंच पर बेहद खुश दिखी। उन्होंने कहा कि बलिया के लोग हिंदी गीतों के भी दीवाने हैं, जो आज मुझे देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत परिवहन मंत्री के भाई धर्मेंद्र सिंह ने किया। उसके नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार गुप्त मिठाई लाल टिंकू सिंह ने धर्मेंद्र सिंह को सम्मानित किया। वहीं दूसरी तरफ मिठाई लाल ने जबरदस्त कार्यक्रम को लेकर ममता शर्मा को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अंजनी उपाध्याय ने जोरदार तरीके से किया, जो चर्चा में रहे। उसके बाद मुंबई से आए कलाकारों ने भी देर रात तक ददरी मेला में कार्यक्रम दिया, जो चर्चा में रहा। ददरी मेला के भारतेंदु मंच पर एक से एक कलाकारों से चेयरमैन छाए हुए हैं। वैसे इस तरह का कार्यक्रम ददरी मेला में पहली बार हो रहा है, जो ऐतिहासिक हो रहा है। ददरी मेला में ऐसे ही कलाकार अब तक आए हैं जो कभी भी ददरी मेला में नहीं आए। 2023 का ददरी मेला शानदार बन रहा है। ये भी है कि जर्मन हैंगर टेंट में भारत के कलाकारों का संगम भी रहा है, जो ये साबित करता है कि आने वाले दिनों में ददरी मेला को सरकार विशेष पैकेज दे सकती है। लाइट, साउंड और टेंट जो बड़े शहरों से आए हैं। यही नहीं, ममता शर्मा ने मंच पर अपनी एंट्री देने से पहले साउंड को लेकर चर्चा की। जब उनके मुताबिक साउंड नहीं रहा तो उन्होंने साउंड को और बेहतर करने की बात कही। उसके बाद आयोजक द्वारा बाहर से और साउंड की व्यवस्था मंगवाना पड़ा, जिस पर करीब 3 लाख अतिरिक्त खर्च करना पड़ा, तब जाकर ममता शर्मा का कार्यक्रम शानदार हुआ। आगे देखें, डीएम रविंद्र कुमार भी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने भी ममता शर्मा के गीतों को सुना। उसके बाद कई अधिकारी भी पहुंचे। कड़ी सुरक्षा में ममता शर्मा का कार्यक्रम संपन्न हुआ।